कहानी की शुरुआत होती है जॉन के साथ, जो कि हमारी कहानी का मुख्य किरदार है। जॉन अपनी मोटर बोट लेकर फिशिंग करने के लिए समंदर में जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो समंदर में आगे जाता है तो उसे आगे गहरा कोहरा दिखाई देता है, यानी कि फॉग। इस कोहरे में थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसे एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है। फिर वो उस बोट के पास जाकर उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसका मतलब था कि ये एक लावारिस बोट है। वो बोट पर जाने का फैसला करता है, इसलिए वो रस्सी के जरिए अपनी छोटी बोट उस बड़ी बोट से बांध देता है और फिर उस बोट पर चढ़ जाता है। जॉन देखता है कि ये बोट अंदर से बिल्कुल नॉर्मल थी, साथ ही में यहाँ पर रखा गया खाने पीने का सामान भी बिल्कुल फ्रेश था, जिसका मतलब था कि ये बोट यहाँ पर खड़ी हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। जॉन उस बोट को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोट शुरू नहीं होती। वो ऊपर की तरफ जाता है और बाइनोक्युलर यानी दूरबीन के जरिए आसपास के एरिया में उस बोट के मालिक को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। बाद में वो रेडियो से कंट्रोल रूम में मैसेज भेजता है कि उसे यहाँ पर एक लावारिस बोट मिली है, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। फिर वो डेक पर जाता है, लेकिन डेक पर आने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जो छोटी बोट अपनी वहां पर बांध के रखी थी वो अब वहां पर नहीं होती, जिस कारण जॉन काफी परेशान हो जाता है। फिर वो मैप लेकर कहां पर है ये ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके चारों तरफ पानी होता है, जिस कारण वो खुद की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाता। फिर वो जहाज के इंजन के पास जाता है ताकि उसे रिपेयर करके जहाज को शुरू कर सके, लेकिन वो जैसे ही जहाज के इंजन को छूता है वो अपने आप ही शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसके हाथ निराशा ही आती है। थोड़ी देर बाद उसे वॉशरूम जाना होता है, लेकिन नीचे जाने की वजह वो डेक से ही हल्के होने का सोचता है, लेकिन तभी उसे पीछे से जोर से एक धक्का लग जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो जहाज के रेलिंग को पकड़ लेता है और पानी में गिरने से बच जाता है। उसे लगता है कि बोट पर शायद कोई ऐसी चीज है जो नहीं चाहती थी कि जॉन डेक पर से पेशाब करे, इसलिए वो नीचे वॉशरूम में जाता है। लेकिन वो जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकलने जाता है तो वो देखता है टॉयलेट का दरवाजा जाम हो चुका है। वो उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं। जॉन के पास एक कैंची होती है, फिर वो उस दरवाजे को उस कैंची के साथ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम हो जाती है। टॉयलेट की खिड़की से उसकी नजर एक शिप पर जाती है, जिसके बाद वो पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो उस छोटी सी खिड़की से कपड़ा दिखाकर उस शिप को इशारा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी कार्गो शिप होती है, जिस कारण उस जहाज के कैप्टन को वो छोटा सा कपड़ा नहीं दिखता और वो शिप वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर पड़ी रस्सी के जरिए जॉन बोट को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो रस्सी बोट के प्रोपेलर में फंस जाती है और रस्सी का दूसरा सिरा उसके गले में फंस जाता है। जैसे जैसे वो रस्सी प्रोपेलर के फैन में फंसती जाती है, उसी के साथ जॉन के गले का फंदा भी कसता जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे एक पाइप के जरिए उस रस्सी को अपने गले से निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब उसे काफी चोट लगी थी। तब भी वो कार्गो शिप उस जहाज को टक्कर मारती है, जिस कारण उसे और भी चोटें लग जाती है। जॉन को अपने इस बोट पर आने के फैसले का पछतावा होने लगता है। वो बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस दरवाजे को बाहर से पकड़ के रखा था। अब इतनी बार नाकाम कोशिश करने पर उसे काफी प्यास और भूख लग जाती है। वो वहीं पर पड़े शावर से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। तभी जॉन की नजर फर्श पर जाती है, जहां पर वो देखता है कि कार्गो शिप से टक्कर होने की वजह से उस बोट में अभी पानी भरने लगा था। अब जॉन इस पानी को पीने लगता है, लेकिन अब इन सब चीजों से वो तंग आ चुका था और उसे कैसे भी करके इस बोट से बाहर जाना था। उसे लगता है कि इस बोट में जरूर कोई है, इसलिए फिर वो गुजारिश करता है कि उसे यहाँ से जाने दे। उसे यहाँ की कोई भी चीज नहीं चाहिए, उसे बस यहाँ से जाना था। ये बोट बस अपने आप चलती ही जा रही थी। इसके बाद रात हो जाती है। जॉन देखता है कि एक बड़ा सा तूफान उनकी तरफ आ रहा है। इस तूफान की वजह से बोट बुरी तरह से हिलने लगती है। अब जॉन का हौसला धीरे धीरे टूटने लगता है। सुबह जब तूफान थम जाता है तो जॉन देखता है
कि बोट में उसके कंधे तक पानी भर गया है, जिस कारण उसका पूरा बदन अकड़ गया था। जॉन आखिरी बार कोशिश करके देखना चाहता था कि वह बाथरूम का दरवाजा खुलता है कि नहीं। तो उस पानी में नीचे जाकर देखता है तो दरवाजा पहले से ही किसी ने खोला था। इसके बाद जॉन उस दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देता है और वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने पर वो सबसे पहले डेक पर जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बोट पर क्या हो रहा है, और बोट पर हो रहे सभी इंसिडेंट्स की वजह से अब उसे धीरे धीरे लगने लगा था कि शायद इस बोट पर कोई आत्मा वगैरह है और उसी के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा था। अब जॉन कुछ भी करके यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वह आइडिया लगाकर पास में पड़े एयर बैग की मदद से एक छोटी सी बोट बनाने का तय करता है। इसलिए वो नीचे जाकर उसी बाथरूम का दरवाजा लेकर आता है और एयर बैग उस दरवाजे को बांधकर एक छोटी सी बोट बनाता है। साथ ही में वो अपने सफर के दौरान खाने के लिए नीचे जाकर कुछ चीजें इकट्ठा कर लेता है। वो अपनी बनाई छोटी बोट को उस बड़ी बोट से बांध देता है ताकि जैसे जैसे बड़ी बोट आगे बढ़े तो उसके साथ आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे उसे किनारा दिखेगा वो उस रस्सी को छोड़ देगा और छोटी बोट के जरिए किनारे तक पहुंच जाएगा। लेकिन जॉन जैसे ही रस्सी से अपनी छोटी बोट को बांधकर उस पर जाता है तो देखता है कि वह बड़ी बोट वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जॉन कई घंटे उस छोटी बोट पर बैठा रहता है लेकिन बड़ी बोट वहां से हिलती ही नहीं। ऐसा मानो लग रहा था कि वह बड़ी बोट नहीं चाहती थी कि जॉन उससे दूर जाए। इसके बाद जॉन को भी समझ आता है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे बड़ी बोट पर ही जाना होगा। जॉन उसी बड़ी बोट पर जाता है और फिर डैमेज की वजह से बोट पर जो पानी भरा था उसे बाहर निकालने लगता है। अब वो बड़ी बोट को रिपेयर करने लगता है लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, इसलिए फिर जॉन वहाँ की मोटर को ठीक करने लगता है ताकि मोटर की मदद से जल्द जहाज पर भरा हुआ पानी बाहर निकाल सके। मोटर शुरू होते ही जहाज पर का पानी जल्दी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जॉन उस जहाज की पूरी तरह से मरम्मत करता है और जो भी दिक्कतें थी उन्हें सही कर देता है, और साथ ही में जो भी जहाज का डैमेज हुआ पार्ट होता है उन्हें सही से रिपेयर कर देता है ताकि पानी फिर से वहां पर ना आ जाए। इसके बाद वो बोट शुरू करने की कोशिश करता है लेकिन बोट अभी शुरू नहीं हो रही थी। फिर वो मैप लेकर खुद की पोजिशन ढूंढने लगता है। इस दौरान जॉन को वहां पर एक शिप दिखाई देती है, जिसके बाद वो तुरंत पानी में छलान लगा देता है और फिर अपनी बनाई छोटी बोट से वहां पर जाने लगता है। लेकिन तभी बड़ी बोट अपने आप शुरू हो जाती है और जॉन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जॉन पूरी ताकत लगाकर छोटी बोट को वहां से निकाल कर ले जाना चाहता था लेकिन बड़ी बोट अपना स्पीड बढ़ा देती है और उसके बाद वो जॉन की बनाई बोट के करीब आती है और उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। तभी जॉन अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। इसके बाद जॉन को जो शिप दिखाई दी थी वो वहाँ से चली जाती है, और अब जॉन भी पूरी तरह समझ गया था कि ये शापित बोट है और वो उसे यहाँ से जाने नहीं देने वाली। जॉन पूरी रात उसी पानी में गुजारता है लेकिन पानी में शार्क होती है और साथ ही में समुद्र का पानी भी काफी ठंडा होता है, जिस कारण जॉन को नहा चाहते हुए भी उस बोट पर जाना पड़ता है। वो वहाँ जाकर सो जाता है। जॉन सुबह उठता है तो देखता है कि ये बोट अपने आप चली ही जा रही है। अब ये कहाँ जा रही है ये भी उसे पता नहीं था। अब जॉन डेक पर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है लेकिन वो दरवाजा पूरी तरह जाम हो चुका था। जॉन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि जब से वो इस बोट पर आया था तब से उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा था। तभी उसे याद आता है कि डेक पर जाने के लिए और एक रास्ता भी है। अब उस छोटे से रास्ते से ऊपर जाने लगता है लेकिन ऊपर का दरवाजा जाम हो चुका था और वो जिस रास्ते से अंदर आया था वो दरवाजा भी लॉक हो चुका था, और उस छोटी सी जगह पर जॉन पूरी तरह से फंस गया था। अब बोट का स्पीड अपने आप बढ़ने लगता है जिस कारण उसके हाथ पैर और सर में चोट आने लगती है। थोड़ी देर बाद बोट का स्पीड अचानक से कम होने लगता है और जॉन देखता है कि ये बोट अब एक शहर के पास आकर रुक गई है, और साथ ही में अभी डेक पर जाने वाला दरवाजा भी खुल चुका था। बोट रुकने के बाद वो तुरंत किनारे पर उतर जाता है। उसे लगता है कि कोई रिमोट के जरिए यहाँ से बोट चला रहा था, इसलिए वो वहां पर पड़ा हुआ एक आयरन रॉड उठाता है और उस आदमी को ढूंढने लगता है लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी वो बोट फिर से अपने आप चलने लगती है और वहां से चली जाती है। अब जॉन को पूरा यकीन हो चुका था
कि इस बोट को आत्मा ने ही वश में करके रखा है और देखते ही देखते वो बोट वहां से चली जाती है। जब वो नीचे आकर देखता है तो उसे वहां पर अपनी बोट दिखाई देती है जिससे वो फिशिंग करने के लिए निकला था। अब उसकी बोट यहाँ पर कैसे आई और वो शापित बोट कौन चला रहा था, इस सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।